भाई अब की बार रक्षा बंधन पे तुम मुझे कौन सा गिफ्ट दोगे? छीन टपाक डम डम हम सब का मकसद एक ही है, छीन टपाक डम डम। जो लोग कहते हैं कि औरतों की जुबान बहुत चलती है, अरे वो झूठ बोलते हैं। मेरी वाली की तो हाथ पैर ज्यादा चलते हैं। यार राखी आने वाली है, मैं तो अपनी बहन को राखी पे गिफ्ट में एक स्कूटी दूंगा, और तू अपनी बहन को राखी पे गिफ्ट में क्या देगा? अरे यार मेरी बहन तो राखी पे गिफ्ट में आईफोन मांग रही है। अबे तो उसको आईफोन दे देना, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? यार मैं अपनी बहन को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, मैं उसके आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अबे साले, अरे जो बहन अपने भाई से राखी पे गिफ्ट में आईफोन पाएगी वो खुश क्यों नहीं होगी? अगर मैं अपनी बहन को राखी पे गिफ्ट में आईफोन दे दूंगा तो खुशी के मारे उसके आंसू आ जाएंगे और मैं उसके आंखों में आंसू देख नहीं सकता। लड़कियों को खुश करने का आसान तरीका, उनकी तारीफ से ज्यादा उनकी सहेलियों की बुराई करो। आप हमसे कितना प्यार करते हैं? 72%। और बाकी के 28%? अरे पागल, 28% तो GST में कट जात। इंडिया में पैदा होने के कई फायदे हैं। आप किसी लायक न होते हुए भी शादी के लायक हो जाते हैं। साला जोश जोश में BSNL का सिम ले लिया था, 4 दिन हो गए, 1 GB डाटा खत्म ही नहीं हो रहा है। यार तेरी बीवी ने तुझे घर से क्यों निकाला? अबे साले तेरे कहने पे ही उसे चैन गिफ्ट किया था। वो चैन चांदी का था क्या? बैगन नहीं, वो साइकिल का था। पहले फिल्टर पानी साफ करने के लिए होता था और अब फिल्टर चेहरे साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं। 3, 2, 1। भाइयों, पत्नी को लड़ाई करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ पति की जरूरत होती है। आजकल के बच्चों के डायपर भी इतने लीक नहीं होते जितने कि आजकल परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं।